फाइनली 2 साल का इंतजार खत्म करके आफ्टर एवेंजर्स एंड गेम मार्वल का सेवियर डेडपूल एंड वुल्वरीन दुनिया भर की थिएटर्स में रिलीज हो चुका है, इंक्लूडिंग दुनिया की बिगेस्ट सिनेमा मार्केट चाइना। और लिटरली आप इमेजिन नहीं कर सकते, सुपर हीरो कम्युनिटी से लेकर जनरल ऑडियंस तक इस मूवी को लेकर इतना हाइप है कि $200 मिलियन में बनने वाली, विच मीन्स इंडियन रूपी में 1600 करोड़ रूपए में बनने वाली ये मूवी आज के दिन दुनिया भर की बॉक्स ऑफिस पे 2000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर सकता है, ऐसा ट्रेड एनालिसिस करने वालों ने खुद प्रेडिक्ट किया है। बट मेरे प्यारे सिनेमा एडिक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन इतना क्रेजी मूवी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर की सिनेफाइल पागलों की तरह थिएटर्स में भाग रहे हैं? तो आ जाओ विदाउट स्पॉइलर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। मैंने मूवी को फर्स्ट टाइम इंग्लिश में देखा और हर एक कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में मुझे इमोशंस बिल्कुल रियलिस्टिक फील हुआ। बट मुझे पता है हिंदी लैंग्वेज पे ये मूवी काफी फैमिलियर फील होने वाला है, क्योंकि वहाँ ओजी संकेत महात्रे सर का डेडपूल का वॉइस जो है। सो आप हिंदी इंग्लिश जिस पे ही देखोगे आपको मजा दोनों में ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशन की। देखो भाई, आपको ये मूवी देखने से पहले अपने दिमाग में एक बात क्लियरली बिठा लेना है कि मैं डेडपूल और वुल्वरीन का पिक्चर देखने जा रहा हूँ, ना कि कोई एवेंजर्स की एंड गेम, और ना ही इस मूवी के साथ इमीडिएटली कोई मल्टीवर्स लेवल का थ्रेट इंक्लूड है। पर फिर भी ये डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से हटकर डेडपूल और वुल्वरीन लेवल का एक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, जहां ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कैरेक्टर्स के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। बेसिकली इस मूवी का ओवरऑल कहानी अपने आप में काफी कॉम्पैक्ट है, थोड़ा बहुत टीवीए का इन्वॉल्वमेंट, डेडपूल का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लेवल टाइम ट्रेवल, वॉइड में कैसेंड्रा नोवा के साथ कुछ ओजी एक्समैन कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, जहां आप डेडपूल और वुल्वरीन के वेरिएंट्स का मेला देखने वाले। मैं तो कहता हूं लोकी सीरीज में अपने लोकी के जितने वेरिएंट्स को कांड करते हुए देखा है उसके कंपैरिजन में इस मूवी में डेडपूल के पागल वेरिएंट्स आपका दिमाग हिला देगा। नहीं, ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मैं आपके एक्सपेक्टेशन को सेटअप करके आपको एक्साइटेड करने की कोशिश कर रहा हूं। देन आपको बताया इस मूवी का मेन यूएसपी डेडपूल और वुल्वरीन का ब्लडी वॉयलेंस, जो एक्शन के ऊपर स्टैंड आउट करके पिछले डेडपूल मूवीज या एक्समैन मूवीज के बाउंड्रीज को भी पुश करता है। और लिटरली ये पिक्चर एक्शन के मामले में सभी फॉक्स मूवीज के बाउंड्रीज को पुश करके काफी आगे निकल जाता है। इवन ये मार्वल की 34 मूवीज में से सबसे क्रेजीएस्ट वॉयलेंट मूवी तो है ही, साथ ही साथ इतना ब्लड, इतना खून खड़ावा शायद ही हमने किसी सुपर हीरो मूवी में देखा है। आई मीन मैं रिसेंट टाइम के मीडियोकर सुपर हीरो मूवीज की बात कर रहा हूं। लिटरली भाई, इस मूवी के मेकर्स ने विदाउट लिमिट्स डेडपूल और वुल्वरीन के पावर्स को निचोड़ लिया है। एक लाइट हार्टेड सुपर हीरो कॉमेडी मूवी में इतना ब्लड, इतना खून खड़ावा मैंने तो आज तक नहीं देखा। ये मूवी मार्वल के बाकी PG-13 मूवीज के एक्शन का जरा सा भी इज्जत नहीं करता। मैं अभी भी शॉक्ड हूँ कि ये एक डिज्नी का पिक्चर है, जिस कंपनी का मेन यूएसपी है किड्स फ्रेंडली कंटेंट्स बनाना, वो ऐसी पिक्चरें बना रहा है, मतलब पैसा किसी को भी बदल सकता है। देन अब डेफिनेटली डेडपूल का मूवी देखने जा रहे हो, जिसको प्ले कर रहे हैं ओजी रायन रेनॉल्ड्स। लिटरली ये बंदा डेडपूल के कैरेक्टर को प्ले करते हुए खुद को कितना एंजॉय करता है वो मुझे आज पता चला। अपने चेहरे को मास्क के द्वारा ढककर बिना फेशियल एक्सप्रेशन दिखाकर डेडपूल इस बार भी मेरा दिल ले गया। जैसे RDJ के बिना आयरन मैन, ह्यूज जैकमैन के बिना वुल्वरीन, वैसे ही हमेशा रहेगा रायन रेनॉल्ड्स के बिना डेडपूल। रायन रेनॉल्ड्स के बिना डेडपूल के कैरेक्टर में किसी को सोचना भी अपने आप में पाप होगा। मैं नहीं जानता कि आप लोग डेडपूल के कॉमेडी और ह्यूमर को कितना एंजॉय करते हो, मगर मैं इतना वादा कर सकता हूँ ये पिक्चर देखने के बाद अब डेडपूल को एंजॉय करे बिना रह ही नहीं सकते। दिल जीत लिया यार रायन भाई साहब, मजा आ गया। और लिटरली द ओजी वुल्वरीन ह्यूज जैकमैन सर, आपके बारे में कुछ बताने का औकात मैं तो नहीं रखता भाई। ये आदमी पिछले 24 सालों से इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं कैसे एक मामूली इंसान होकर इनकी लेगेसी को जज कर सकता हूँ। इस एज में आकर भी इन्होंने जिस लेवल का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो देखने लायक है। ओजी कॉमिक एक्यूरेट येलो सूट में आफ्टर लोगन मूवी, ये पिक्चर मेरे लिए वुल्वरीन का बेस्ट मूवी बन चुका है। भले ही मूवी के अंदर उनके डायलॉग्स डेडपूल से काफी कम है, मगर वो ह्यूज जैकमैन है और उनके साथ है रायन रेनॉल्ड्स, और दोनों का केमिस्ट्री भाई साहब इतना लाजवाब है। ओवरऑल मूवी में आपको इतना ज्यादा
एंटरटेन करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रिसेंटली ये मूवी मेरे लिए बेस्ट सुपर हीरो टीम अप मूवी बन चुका है। भाई दिल से बता रहा हूँ, मैंने काफी इंजॉय किया है। एंड फाइनली इस मूवी को जो चीज सबसे स्पेशल बनाता है वो है पिक्चर में देखने वाला लाखों करोड़ों कैमियोस, जिसमें से सबसे बड़ा कैमियो ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से है। मगर उन एवेंजर्स में से एक एक्टर ने यहाँ पर एक अलग कैरेक्टर प्ले किया है, जिसका रिबूट मूवी अगले साल मार्वल के बैनर में फिर से हमें दिखने वाला है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता, आप देखना मूवी में, आपको मजा आ जाएगा। बाकी आप मार्वल के न्यूज के बारे में थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो आपने जितने सारे कैमियोज इस मूवी में सुना था लिटरली सब के सब इस मूवी के अंदर आपको मिल जाएगा, आपका होश उड़ जाएगा। कैमियोज गिनते गिनते आप लिटरली थक पड़ोगे, भाई और कितने कैमियोज आएगा। बस बहुत हो गया एक्साइटमेंट पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन, अब थोड़ा सा नेगेटिव चीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट नेगेटिव जो मुझे पर्सनली फील हुआ, इस मूवी में डेडपूल और वुल्वरिन के सामने कोई नेक्स्ट लेवल का थ्रेड हमें देखने को नहीं मिलता। कैसेंड्रा नोवा एज विलन मेरे लिए थोड़ा सा लाइटली निकल गया। डेफिनेटली इस मूवी के अंदर भी वो मल्टीवर्सनल थ्रेड था, मगर जो मल्टीवर्स हमने लोकी में देखा है, जो सैक्रिफाइस हमारे लोकी भाई साहब ने झेला है, उसके कंपटीशन में ये कुछ भी नहीं, जो कि होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी अभी एंटर किया है एमसीयू में हमारे डेडपूल और ह्यूज जैकमैन वुल्वरीन भाई साहब ने, तो इतने जल्दी जाने कैसे देंगे उनको? नहीं, इतनी आसानी से तो जाने नहीं देंगे। सीक्रेट वॉर्स। खैर इसके अलावा भी मुझे एक और थोड़ा सा छोटा सा नेगेटिव पॉइंट, मूवी का स्टोरी मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। पिक्चर ज्यादातर टाइम डेवलपमेंट पे अपना समय बिता के मस्ती मस्ती करके निकल जाता, जो ऑब्वियसली डेडपूल मूवीज का एक स्पेशल खासियत है, मगर मार्वल पे आके इनको थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करना चाहिए था, बट सैडली मेकर्स ने वो नहीं किया है क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया पे खेलना चाहते हैं और उन्हें पैसा चाहिए, और पैसा किससे आएगा? नॉस्टैल्जिया से। बाकी सॉन लेवाई का डायरेक्शन जबरदस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायलॉग्स, भाई साहब मजा आ गया। प्लीज आप में से कोई हिंदी लैंग्वेज पे पिक्चर को देखकर खत्म कर दिया है तो बताना प्लीज, आप प्लीज बताना कमेंट पे कि हिंदी एक्सपीरियंस कितना मजेदार था। मेरे लिए ये ओवरऑल एक वेरी एंटरटेनिंग जर्नी रहा डेडपूल और वुल्वरीन के साथ। और मेरे अकॉर्डिंग आप सुपर हीरो फैन हो या नहीं, लाइफ में एक बार इस मूवी को एक्सपीरियंस करना तो बनता है। बाकी आप बताओ, आपने मूवी देख लिया है तो आपके कितने सारे एक्सपेक्टेशन को इस मूवी ने फुलफिल किया है, और आपको ये मूवी थिएटर में देखने के टाइम कितना मजा आया, आपका एक्सपीरियंस आप जरूर शेयर करना। और मेरा ये मूवी रिव्यू पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियोस के लिए आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। You're still here. It's over. Go home. Oh, you're just a saucy little leather number. Go, go. Oh. But I can tell you one thing, and it's a bit of a secret. The sequel, we're going to have Cable. Amazing character. Bionic arm, time travel. We have no idea who we're going to cast yet, but it could be anybody. Just need a big guy with a flat top. Could be Mel Gibson, Dolph Lundgren, Keira Knightley. She's got range. Who knows? Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. It's a total dick move.